ट्रेन चलने की सूचना को रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभी मुख्यालय से कोई आदेश ऐसा नहीं आया है कि ट्रेन कैसे चलनी है और किन किन समयों पर चलनी है और कौन सी ट्रेन चलनी है। मुरादाबाद डिवीज़न के मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि अभी तक मुख्यालय से कोई हमें आदेश नहीं आया है। दरअसल ऑनलाइन टिकट बुक किए जा रहे हैं और लोगों का कहना था कि लॉकडाउन खुलने वाला है और ट्रेन चलने वाली है, मगर जिस पर रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभी तक कोई आदेश ट्रेन चलने के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को लेकर भी रेलवे प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। रेलवे विभाग में काम जो इस समय कार्य कर रहे हैं उनको प्रतिदिन मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। लॉकडाउन के बीच रेलवे द्वारा ट्रेनों को चलाए जाने की खबर पर फिलहाल मुरादाबाद रेलवे प्रशासन ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने इस प्रकार किसी भी सूचना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रेलवे द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि रेलवे लॉकडाउन में ट्रेन चलाने जा रहा है। जैसे ही रेल मुख्यालय द्वारा आदेश पारित होगा तो रेल प्रशासन अपने काम को अंजाम देने के लिए कार्य करेगा। फिलहाल अभी रेल मुख्यालय से कोई ऐसा आदेश हमें नहीं मिला है, मंडल रेल प्रबंधक ने आगे कहा। देखिए, अभी हम लोग के बारे में इस विषय में कि कौन कौन सी ट्रेन हमारी चलेंगी और कैसे कैसे उनको रिस्ट्रिक्शन करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, इस विषय में अभी कोई दिशा निर्देश हमें रेलवे बोर्ड से प्राप्त नहीं हुए। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का जहाँ तक सवाल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हम लोग के कार्य ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि हमारी गुड्स ट्रेनें तो निरंतर चल ही रही हैं और उसके लिए जो कार्य करे जाने हैं वो हमारे ट्रैक पे सिग्नल के ओजी के सब हो ही रहे हैं। वहीं मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि फिलहाल मुरादाबाद रेलवे मालगाड़ियों का संचालन रेलवे बोर्ड द्वारा मिले निर्देश पर चला रहा है। वहीं इस दौरान मालगाड़ियों के संचालन में लगे कर्मियों को सुरक्षा की दृष्टि से सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मास्क, सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध करवा रहा है। रेलवे चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधित कार्य को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या खड़ी न हो। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने सिटी चैनल संवाददाता बात करते हुए कहा। देखिए, हमारे मंडल में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को हमने ये सुनिश्चित कराया कि सबको मास्क मिल जाए और अभी हमारा ये प्रयास चल रहा है कि उनको ऐसे मास्क सभी लोगों को मिल जाए कि जो 2 से 3 की संख्या में हो, जिनको वॉश करके बार बार प्रयोग करा जा सके। सैनिटाइज़र की उपलब्धता भी सुनिश्चित करी जा रही है उनके पास हो, और चूँकि हमारे कर्मचारी जिस तरह के कार्य करते हैं उसमें ग्रीस और ऑयल इन सब का काम काफ़ी इन्वॉल्व होता है, तो ये हम लोगों ने कोशिश करी है कि सभी जो हैं उनको साबुन की उपलब्धता उनके पास अच्छी खासी रहे जिससे बार बार अपने वो हाथ धो सकते हों। जो और हमारे कार्य भी सेक्शन में चल रहे हैं उस पर ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनी पूरी फॉलो करके ही कार्य करें।